अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सेना भर्ती के अभ्यर्थियों ने बुलाया भारत बंद। पुलिस की बैरिकेडिंग से दिल्ली एनसीआर में जाम की नौबत। गुरुग्राम में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। नोएडा से अक्षरधाम की ओर जाने वाले रास्ते पर भी लंबा जाम। नोएडा में धारा 144 लागू। सोशल मीडिया पर रखी जा रही है खास नजर। नोएडा में महाफ्लाईओवर के पास भी लगा लंबा जाम। बंद को विपक्ष का भी समर्थन। आज भारत बंद से निपटने के लिए रेलवे ने कसी कमर। आरपीएफ और जीआरपी को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को किया था आग के हवाले। सिर्फ बिहार में रेलवे का हुआ था 700 करोड़ का नुकसान। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति करेगी विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। यूपी में भी कानपुर, जौनपुर, सहारनपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में पुलिस प्रशासन ने बनाई खास रणनीति। प्रदर्शनकारियों ने की हिंसा तो सख्ती से निपटेगी पुलिस। अग्निपथ योजना के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को लेकर झारखंड में स्कूल रहेंगे बंद। पंजाब में भी कोचिंग सेंटर के बाहर फोर्स तैनात। केरल में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। पुलिस के जवानों की आज की छुट्टियां रद्द। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हिंसा रोकने के लिए किए पुख्ता इंतजाम। बिहार में अग्निपथ हिंसा मामले में अब तक 145 एफआईआर दर्ज करके 804 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएमएसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च। गड़बड़ी फैलाने वालों पर पैनी नजर। यूपी के अलीगढ़ में अग्निपथ के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के आरोपी 9 कोचिंग संचालकों को भेजा गया जेल। स्थानीय बीजेपी नेता पर भीड़ को उकसाने का आरोप। अग्निपथ के विरोध में जारी हिंसा की साजिश का खुलासा। 4 शहरों में व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बनाकर साजिश। हिंसा को उकसाने के लिए मिले सबूत। 35 ग्रुप किए गए बैन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने अग्निपथ योजना को कहा सही। युवाओं से बेकाबे में न आने की अपील। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा फैलाने वालों को सेना की सख्त हिदायत। एफआईआर में नाम होने पर नहीं मिलेगी नौकरी। अग्निपथ योजना पर असमंजस दूर करने के लिए 3 सेनाओं ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। का हम चाहते हैं सेना में होश और जोश का समन्वय हो। 2 साल से सेना में अग्निपथ योजना पर चल रही थी चर्चा। सेना का बयान किसी भी हाल में वापस नहीं होगी स्कीम। 24 जून से वायुसेना में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। 25 जून को नोटिफिकेशन जारी करेगी नौसेना। 1 जुलाई से थल सेना में भर्ती के लिए अधिसूचना होगी जारी। महिला अग्निवीरों की होगी नियुक्ति। दिसंबर तक वायुसेना में शुरू होगी अग्निवीरों की ट्रेनिंग। सेना का बयान आम जवानों की ही तरह मिलेगी सारी सुविधाएं। अग्निवीरों को लेकर अपने बयान पर फंसे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। कहा पार्टी दफ्तर में गार्ड की नौकरी के लिए अग्निवीरों को दूंगा प्राथमिकता। कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस का तंज। केपी वेणुगोपाल का ट्वीट, एक सच्चा देशभक्त कभी उनका अपमान नहीं करेगा। विजयवर्गीय के बहाने पीएम मोदी पर ओवैसी की निशाना साधा। कहा क्या सैनिकों को ऐसा ही सम्मान देती है सरकार। बयान पर विजयवर्गीय की सफाई। कहा टूलकिट से जुड़े लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं पेश। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने भी कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर उठाए सवाल। कहा सेना की वीर गाथाएं कहने में शब्दकोश असमर्थ। नेशनल मामले में आज एक बार फिर राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगे। चौथी बार ईडी करेगी राहुल से पूछताछ। नई दिल्ली इलाके में 144 धारा लागू। जंतर मंतर प्रदर्शन में सिर्फ 1000 लोगों को चोट। पिछले हफ्ते राहुल से तीन दिन में 30 घंटे हो चुकी है पूछताछ। राहुल ने अपने लिखित बयान में कराए थे कुछ बदलाव। 23 को इसी मामले में सोनिया गांधी से भी होगी पूछताछ। राहुल से पूछताछ और अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस का डेलीगेशन आज राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। आरोप प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सांसदों के साथ की थी बदसलूकी। राहुल ने रविवार को किया ट्वीट, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियों पर मिला सिर्फ पकौड़े तलने का वादा। जयराम रमेश ने किया ट्वीट, युवा विरोधी अग्निपथ स्कीम और राहुल गांधी को परेशान करने के मुद्दे पर आज लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता करेंगे शांतिपूर्वक प्रदर्शन। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी को परेशान किए जाने पर लगाया आरोप। अजय माकन ने ईडी पर सिलेक्टिव खबरें लीक करने का आरोप लगाया। वो मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। वन रैंक वन पेंशन का हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर तो जो सिलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और
अपनी तरीके से नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर। अजय माथे ने कहा बीजेपी की फेयर एंड लवली स्कीम जारी, विपक्षी दलों से बीजेपी में जाने वालों के धूल के धुल जाते हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। सौरभ महाकाल ने मुंबई पुणे पुलिस की पूछताछ में किया दावा, रंगदारी के लिए करण जौहर को दी थी धमकी। कल रांची एयरपोर्ट पर ओवैसी के स्वागत में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। माधव विधानसभा में उपचुनाव में बीजेपी के बागी उम्मीदवार देव कुमार धान के लिए प्रचार करने पहुंचे थे ओवैसी, पुलिस कर रही है जांच, 23 जून को है वोटिंग। रांची में ओवैसी ने अग्निवीर मामले पर बीजेपी पर बोला हमला, कहा पीएम ने युवाओं के साथ किया मजाक। देश के प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है, युवाओं की जिंदगी से एक मजाक किया है। आज दो दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बेंगलुरु और मैसूर में 27,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कर्नाटक के चिकमंगलूर में पुलिस ने कांग्रेस के किसान रोल से जुड़े कुछ नेताओं को हिरासत में लिया, पीएम के बेंगलुरु दौरे के विरोध में कर रहे थे ये तैयारी। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने लॉरेंस विश्नोई गैंग के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार, बलदेव चौधरी और अंकित शर्मा नाम के आरोपियों से 2 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद। लुधियाना पुलिस के मुताबिक लॉरेंस विश्नोई का क्लाइमेट रहा है बलदेव, क्लासमेट रहा है बलदेव चौधरी, कई वारदात को दे चुके साथ में अंजाम, मूसेवाला मर्डर केस में भूमिका की हो रही है जांच। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्तमान में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने निकाली विकास तीर्थ यात्रा, बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाते दिखे नेता और कार्यकर्ता। कानपुर के श्यामनगर में बाल बाल बचा बिकरू कांड का दोषी राजकुमार दुबे ने नाराजगी में पुलिस टीम पर चलाई गोलियां, दारोगा और 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल। राजकुमार दुबे ने अपनी डबल बैरल बंदूक से पुलिस टीम पर करीब 30 राउंड फायरिंग की, हेलमेट लगाकर पुलिस पर गोलियां दागता दिखा राजकुमार, पत्नी सप्लाई करती रही कारतूस, बताती रही पुलिस की लोकेशन। गोलियां दागते हुए राजकुमार ने खुद किया विकास दुबे का जिक्र, कहा विकास ने रात के अंधेरे में पुलिस पर किया था फायर। राजकुमार पर उसकी बहू बेटे ने प्रताड़ना का लगाया था आरोप, थाने में शिकायत के बाद पुलिस राजकुमार दुबे के घर पहुंची तो भड़क उठा गुस्सा, आखिरकार किसी तरह पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वो आया तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी, फिर हम लोगों को और सब लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास, हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया, अभी इनको हम लोग लेके गए इनका जो मेडिकल और जो। असम में बाढ़ का कहर जारी, 24 घंटे में 9 लोगों की गई जान, 8 लापता, 20 से ज्यादा जिलों में 42 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, उफान पर कोपिली, ब्रह्मपुत्र, बेकी समेत कई नदियां। असम के रंगिया में 2 स्कूली बच्चे बाढ़ के पानी में बहे, खतरनाक बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे थे दोनों छात्र। असम के करीमगंज में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे बीएसएफ के जवान, डीसी दफ्तर में 3 महिलाओं को बचाया गया, सिलचर और करीमगंज दोनों जगह हालात बेकाबू। बक्सर जिले में भारतीय सेना ने सैकड़ों लोगों की बचाई जान, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ पुलिस प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। बारपेटा में नदी किनारे लोगों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया, भारत भूटान बॉर्डर पर बसे गांव से किया गया रेस्क्यू। असम के कामरूप में बाढ़ में बह गए 2 पुलिसकर्मी, कैमरे में कैद हुआ सैलाब का भयावह मंजर। राजस्थान के बारा में भारी बारिश का टूटा कहर, सैलाब जैसे हालात, सड़कों पर दिखा बहते दरिया का मंजर। बारा में टापू में तब्दील हुआ रामगढ़ कस्बा, पर्यटकों की बड़ी मुसीबत, जान जोखिम में डालकर रामगढ़ से निकलने की कोशिश करते दिखे लोग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दरिया के तेज तूफान में फंसा युवक 1 घंटे तक रेस्क्यू मिशन के बाद निकाला जा सका बाहर। ओडिशा के नुआपाड़ा में बिजली गिरने से 4 लोगों की गई जान, 1 शख्स घायल। असम के कुजई में रेल पटरियां बाढ़ के पानी में डूबी, रेल की आवाजाही ठप, कई ट्रेन रद्द, कई ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। बिहार के 8 जिलों में आसमान से बरसी मौत, बिजली गिरने से 17 लोगों ने गवाई जान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटा, मंडी सेक्टर में एक ट्रक चालक ड्राइवर की मौत, सेना बीएसएफ और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। मुंबई में कई इलाकों में झमाझम बारिश, बरसात में थमी मुंबई की रफ्तार, कई जगहों पर जल जमाव।
अलीगढ़ में बारिश के पानी में खुले मैनहोल में गिरे स्कूटी सवार पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी, हादसा सीसीटीवी में कैद।